बलिया जनपद के दुभड़ थाना प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह को सम्मानित किया गया। रंजीत सिंह ने अपने क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों असहाय लोगों को राशन भोजन वितरण किया था। दुभड़ क्षेत्र के लोगों ने बताया कि ऐसा थानेदार पहली बार हमारे क्षेत्र में आया है। एक भी व्यक्ति थाने से निराश होकर नहीं लौटता है। कोरोना योद्धा रंजीत सिंह को मीडिया कर्मियों ने सम्मानित किया। जी सर, आज आपको सम्मानित किया गया और कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए किस प्रकार आपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ कोरोना वायरस का, माने वायरस फैला, तब से हम लोग उच्च अधिकारीगण के आदेशों के क्रम में लगातार अथक प्रयास करके क्षेत्रीय जनता को जागरूक करते रहे और ईश्वर की कृपा रही, हम लोगों का प्रयास सफल रहा। हमारे थाना क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में, व्यक्तिगत जो यहाँ पहले से रहते थे, किसी को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। हम लोगों का प्रयास रहा, जनता जागरूक करते रहे हम लोग बीच बीच में। हाँ, बाहर से कुछ लोग आए थे, वो झवलिया में 4-5 पेशेंट मिले थे, लेकिन एक हफ्ता में जो मुंबई से आए थे ट्रक के माध्यम से, तो पॉजिटिव मिले, लेकिन फिर एक हफ्ता में नेगेटिव रिपोर्ट आई। और हमारे थाना क्षेत्र में हम लोगों के प्रयास का ही प्रतिफल रहा कि अभी तक बहुत ज़्यादा कोई ये महामारी का कोई शिकार नहीं हुआ। सर, आपके क्षेत्र में अभी तक एक भी कोरोना एक्टिव केस नहीं है? नहीं, फिलहाल अब एक्टिव केस नहीं है। सर, कैसे लग रहा है आपको? सर, आपको सम्मान नहीं, हम काफ़ी गौरवान्वित तो अपने को महसूस कर रहे हैं। ये आप लोगों ने भी अथक प्रयास करके, जागरूक करके, जनता को चैनल के माध्यम से, अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को जागरूक किया, इसी के प्रतिफल है कि अभी ग्रामीण अंचल में, खासतौर से मेरे थाना क्षेत्र में, ऐसी कोई शिकायत अभी बहुत ज़्यादा नहीं आई है।